तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलस कथा पाठ को। तो आज की इस वीडियो में हम अलस कथा पाठ के लाइन बाय लाइन संस्कृत को पढ़ेंगे तथा उसके हिंदी को बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ में आप अपना किताब निकाल करके लाइन बाय लाइन हिंदी को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस पाठ के लाइन बाय लाइन संस्कृत और हिंदी को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर के क्लिक करें, आपके सामने इस पाठ का लाइन बाय लाइन संस्कृत और हिंदी ओपन हो जाएगा और आप वहां पर बहुत ही आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेष छोटा सा भाग है। पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्न मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। संस्कृत भाषा में रचित पुरुष परीक्षा कथा के माध्यम से विभिन्न मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करता है तथा दोषों को दूर करने की शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापतिर आसीत इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। विद्यापति और भी बहुत संस्कृत ग्रंथों के रचयिता थे। संस्कृत विश्व में उनकी पर्याप्त विशिष्टता थी। प्रस्तुत पाठे अलसा नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंगात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में आलस नामक दोष को बताने हेतु एक व्यंगात्मक कथा दी गई है। नीतिकाराः अलस्यां रिपुरूपं मान्यते। नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। आसित मिथिलायां बीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में बीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। स च स्वभाववाद दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्याहमिक्षम भोजनम दप्यति। वह स्वभाव से दानशील कारुणिक सभी संकटग्रस्त अनाथ लोगों को भोजन देता था। तन्मध्ये आलस्येभ्यो अपमन्न वस्त्रे दाप्यति। उसके बीच आलसियों को भी वस्त्र और अन्न देता था। यतः क्योंकि निर्गति नाम च सर्वेषाम आलस प्रथमो मतः किमंचिन क्षमते कर्तुम जेठार्न अपि वाहिना। क्योंकि आलसियों अकर्मणों में सबसे प्रथम स्थान आलसियों का है, क्योंकि वो भूख की ज्वाला से पीड़ित होने के बाद भी कुछ करने का प्रयास नहीं करते हैं। ततो अलसा नाम पुरुषा नाम तत्रे अष्टालाभम श्रुत्वा बहु अस्तुन परिमार्ज्य त्रस्त वर्तुल्य बुभ्य यत स्थित शौर्य कर्म मूल ही सर्वेशापि सन्नहते स जाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतव। तब आलसी व्यक्तियों का इच्छित लाभ होता सुनकर बहुत से तुंद बढ़ाने वाले वहां इकट्ठा होने लगे, क्योंकि सुविधाजनक स्थिति अवश्य ही सबको आकर्षित करती है। सजातियों के सुखों को देखकर कौन प्राणी नहीं दौड़ता। पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्टवा ध्रुता अपि कृत्रिम अलस्य दर्शयित्वा भोजनम गृहणंती। बाद में आलसियों के सुखों को देखकर ध्रुत लोग भी कृत्रिम आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। तदंतर अलसशालायां बहुद्रव्यव्यं दृष्ट्वा तनि योगी पुरुषः प्रामृष्टः यद्दक्षं बुद्ध्याया करुणाया केवल आलसेभ्यः स्वामी वस्तुन दाप्यति कपटेन अलसानाम अपि गृहणन्ति इत्यस्माकः प्रमदः। तब अलसशाला में बहु धन का व्यय होता देखकर वहां नियुक्त पुरुषों ने परामर्श किया कि बुद्धि से हीन पर करुणा करके हमारा स्वामी केवल आलसियों को वस्तुएं दिलाता है, परंतु कपट करके जो आलसी नहीं है वे भी ले लेते हैं, यह हमारा आलस्य है। यदि भवती तदा अलसा पुरुषा नाम परीक्षा कुर्मः इति प्रमृश्य प्रसुप्तेषु आलसशालायां तनि योगी पुरुषा वहिनम दाप्यति निरूप्यमाशुः। यदि हो सके तो हम लोग आलसी पुरुषों की परीक्षा करें। ऐसा परामर्श करके सोए हुए आलसियों के घर में वहां नियुक्त पुरुषों ने आग लगवाकर निरीक्षण किया। ततो गृह लग्नम प्रविर्धम अग्निम दृष्टा द्रुता सर्वे प्लायिता। उस घर में लगे आग को देखकर सभी द्रुत लोग भाग गए। पश्चात दि अलसा अपि प्लायिता जो कम आलसी थे वो भी भाग गए। चत्वारह पुरुषास्त तत्रैव
चत्वारः पुरुषा तत्रैव सुप्ताः परस्पर माल्यप्यन्ते। चार पुरुष वहाँ पड़े ही बात करने लगे। एक ये न वस्त्रवत मुखे न उक्तम, एक ने वस्त्र से ढके हुए मुँह से बोला, अहो कथम कोलाहल, यहाँ कैसा हल्ला हो रहा है। द्वितीय न उक्तम, दूसरे ने बोला, तर्कयते यदस्मिन् गृहे लग्नी अग्निर् लग्नो अस्ति, दूसरे ने बोला, लगता है हमारे घर में आग लग गई है। तृतीयो न उक्तम, कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति, य इदानी जला ऐद्रैव वोसो भी कटये वासना प्राप्नोति, यहाँ पर कोई नहीं है जो कि भीगे हुए वस्त्र या चटाई से हमें ढक दे। चतुर्थो न उक्तम, ऐ वशाल कति वचनानि वक्तुम अस्कनुतु, तुष्णी कथम न तिष्ठत। चौथे ने बोला, ऐ वचालो कितना बोलते हो, चुप नहीं रहा जाता। तत्पश्चातुर्नमपि तेषामेव परस्पर आलप्यम श्रुत्वा वहिना च प्रवृद्ध एषाम उपरि पतिस्यन्दम दृष्ट्वा नियोगी पुरुषः वर्धभयेन चत्वारो अल्प्यालसाः केशव आकृष्य गृहीत्वा गृहाद् बहिकृता। पश्चातानलोक्य तरणी योगी भी पठिताम पतिरेव गति स्त्री नाम बला नाम जननी गति अलसा नाम ना अलसा नाम गति काची लोके कारणिकम बिना। तब उन चारों की परस्पर की बात चित सुनकर तथा आग को फैलकर उनके ऊपर गिरते देखकर बध के भय से उन नियुक्त पुरुषों ने चारों आलसियों के केसों को पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर किया। बाद में उनको देखकर उन नियुक्त पुरुषों द्वारा यह श्लोक पढ़ा गया, स्त्रियों का रक्षक पति होता है और बालकों का रक्षक उनकी माता होती है। संसार में आलसी व्यक्तियों का रक्षक दयावान के बिना कोई नहीं होता। तब बाद में उन चारों आलसियों को मंत्री ने और अधिक वस्तुएं दिलवाई।